अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छा रखे। और आज जुमा है, जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और जो है नमाज की तैयारियां चल रही हैं घर में हमारे। डॉक्टर साहब नहा कर रेडी हो चुके हैं, कपड़े वगैरह तैयार हो रहे हैं जुमा की नमाज के लिए। तो बड़ी मस्जिद में जुमा होता है, जौनपुर बड़ी मस्जिद में जुमा पढ़ते हैं सब लोग, घर के लोग। तो अभी वही तैयार हो रहे थे नमाज के लिए जाने के लिए। आज जुमा है, जुमे की तैयारी स्पेशल करनी चाहिए। हफ्ते में जुमा, हफ्ते का दिन जुमा का सबसे अच्छा होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, हफ्ते का दिन जो जुमा का है वो सबसे अच्छा दिन होता है। तो इसलिए आज छोटी ईद की तरह नमाज पढ़ने की तैयारी करनी चाहिए, नहाना चाहिए, कपड़े लत्ते साफ सुथरे प्रेस कर इतर और खुशबू लगाकर, टोपी लगाकर, सुन्नत तरीके से जो है मिसवाक करके मस्जिद में जाया जाता है। तो हमारे घर डॉक्टर साहब ऐसे ही करते हैं माशाल्लाह। और घर के बच्चे भी सब तैयार हो रहे हैं, कुछ लोग तैयार हो चुके हैं और कुछ बच्चे फरहान हमारे जा रहे हैं नहाने के लिए। तो आज जुमा है तो हफ्ते का सबसे स्पेशल दिन है। तो आइए हमारे साथ आज की रूटीन में आप लोग भी शामिल हो जाइए। रोज की रूटीन तो होती ही है लेकिन आज की रूटीन कुछ स्पेशल है, जुमा है तो नमाज की तैयारी तो सबसे स्पेशल है। अल्लाह के करीब अल्लाह का हुक्म है कि नमाज की स्पेशल जुमे के दिन की तैयारी करें। तो आप भी आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो देखते हैं डॉक्टर साहब तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग देखिए डॉक्टर साहब तैयार हो रहे हैं, कपड़ा उनका सब धुलकर रेडी रहता है, उसमें रिवाई लगती है, कड़क वाली धोबी प्रेस कर दे जाता है। धोबी जो है हमारे यहाँ लगा हुआ है, वो लाकर कपड़े सब प्रेस करके दे जाता है। तो डेली खैर इनका कुर्ता पजामा डॉक्टर साहब का रहता है, लेकिन और जुमे का तो स्पेशल खैर इनका दिन ही है। जुमे के दिन कहीं जल्दी जाते आते नहीं है, जुमे के दिन अपना घर रहकर मस्जिद जल्दी जाते हैं। जब मस्जिद में दो चार लोग रहते हैं तो वो पहले ही मौजूद रहते हैं वहाँ, बहुत सारी तस्बीह दुआ दरूद शरीफ ये सब पढ़ते हैं, तो इसलिए वो काफ़ी पहले चले जाते हैं। तो अदनान लोग बहुत पहले नहीं जाते, ये बाद में जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर साहब तैयार होकर पहले ही चले जाते हैं। तो देखें वो अपने कपड़ों की बहुत कदर करते हैं, पहनने से पहले वो लुंगी तह करके अपनी रख दिए हैं, फिर कुर्ता पहनेंगे, अपनी अपनी चीज जो भी जहाँ से उठाएंगे वो सब वहाँ मौजूद रख देंगे। ये नहीं कि तबाह हो गया जुमा है तो फेंक पवार भाग दिए, नहीं, अपना अपना जो सामान जहाँ से उठाएंगे वहाँ फिर रख देंगे। जुमे की खास बात है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुमे के दिन की बहुत फजीलत है, ये दिन पूरे हफ्ते में सबसे बेहतर और अच्छा दिन है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम दिनों में सबसे अच्छा दिन जुमा का है। उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उसी दिन अपनी उन्हें जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया, जुमे के दिन दुनिया बनाई गई। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीना में मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जुमे के दिन बहुत सारी फजीलत और खासियत है, तो चलें नमाज की तैयारी में आप लोग भी जुड़ जाएं और हम भी जुड़ जाते हैं। वीडियो शूट करने के बाद हम भी अपनी नमाज की तैयारी करते हैं। और दुनिया में तो रहना नहीं है, एक दिन सबको मर कर अल्लाह के पास जाना है, तो हम सब भी आए तैयारी करने। आप भी फटाफट तैयार हो जाए और हम भी शूट करने के बाद खाली होते हैं तो नहा कर नमाज की तैयारी करते हैं। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह सबसे राजी हो जाए, अल्लाह सबकी खताओं को बख्श दे, अल्लाह सबकी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जितने भी दुनिया में लोग हैं दुआएं करें, अल्लाह उनकी सबकी दुआओं को पूरा करे, आमीन। जिनके घर उजड़ गए हैं अल्लाह पाक उनके घर को बसा दे, जिन माँ के बेटे
खोए हैं, गुजर गए हैं, अल्लाह उन माँ को दिलों में सब्र दे दे। अल्लाह पाक हमारी बहनों को, उनके बच्चों को और उनके शौहर को अपने हफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। मस्जिद में पैसा ले लें फकीरों के देने का। हाँ, बहुत सारे लोग रहते हैं मस्जिद में ना, वो बात को देंगे, ले जाएगा, वो डालेगा डब्बे में वहाँ बड़ी मस्जिद में। जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो डॉक्टर साहब अब जा रहे हैं नमाज के लिए, अब वो जा चुके हैं और हम भी अंदर अपना रुख करते हैं, देखते हैं उबैद क्या कर रहे हैं। अच्छा, उबैद भी नहा कर रेडी हो चुके हैं। उबैद जो है अपने दोस्त शादाब के लिए खड़े थे और फरहान का कपड़ा टंगा हुआ है, वो भी अपना तैयारी कर रहे हैं नमाज पढ़ने की। अल्लाह ताला बस इसी तरह सबके दिलों में तौफीक दे नमाज की, इबादत की, कुरान की, सबको समझ आए, अकल आए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। दुनिया तो चार दिन का ठिकाना है, फिर अल्लाह के पास जाना है। तो बस अल्लाह सबको हिदायत दे अपनी और समझ दे, अच्छे बुरे की पहचान हो। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह सभी लोग नमाज के लिए। तो ये थी आज के जुमा के दिन की रूटीन, और जो है अब हम भी चल रहे हैं जुमा की तैयारी करने के लिए। सब लोग जा चुके हैं नमाज के लिए और फरहान भी देखें, फरहान भी जुमा की तैयारी के लिए खड़े हैं नहा धोकर, ये भी अब जा रहे हैं जुमा की तैयारी करने। तो इसी जुमे के दिन के साथ अब हम विदा लेते हैं, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। और दुआओं में बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा सबके लिए, अपने लिए, हमारे लिए और सारी दुनिया वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।